आज क्या होता है देखो, एक बार की बात है, जो कृष्ण है वो अपने नंद गांव में घूमने के लिए जाते हैं। अब घूमने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक क्या देखा, एक दूल्हे को देखा। किसे देखा? दूल्हे को। अब जब दूल्हे को देखा तो उन्होंने वहां पूछा कि ये कौन है भाई, तो बताया गया कि ये दूल्हा है। तो दूल्हा क्या करता है काम, कि दूल्हा दुल्हन को लाता है। अब दुल्हन क्या करती है, कि दुल्हन घर का काम करती है और माँ के चरण दबाती है, सेवा करती है। अब जब यही कहते हैं तो आज कृष्ण के मन में एक प्रेरणा आ जाती है, जब यह व्यक्ति दूल्हा बन सकता है तो मैं भी तो दूल्हा बन सकता हूँ। तो आज कृष्ण, आज मन में भाव आता है कि मुझे भी दूल्हा बनना है। अब ग्वाल वालों के पास में जाते हैं और कहते हैं, क्यों भाई, मैं जब दूल्हा बनूंगा तब बारात में चलोगे क्या, बारात में चलोगे? अब ग्वाल वालों ने कहा, भाई बारात में माखन तो मिलेगा? तो कहा कि हाँ जरूर मिलेगा। तो कहा कि तो मैं भी चलूंगा। तो जब ग्वाल वाल यहां राजी हो चुके हैं, अब क्या हुआ, अब माँ से पूछने के लिए जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे तू दूल्हा बना दे। क्या कहते हैं? मुझे तू दूल्हा बना दे। अब माँ हंसने लगती है। अब जब कोई घर का बालक छोटा सा हो और वो कहे माँ मेरी शादी करवा दे, तो हंसी आएगी या फिर रोना आ जाएगा? हंसी आ जाएगी। आज क्या होता है, आज माँ को हंसी आने लगी है और माँ कहती है, अरे लाला तू बावरा तो नहीं है गया, क्यों, अभी तो तेरी उम्र भी नहीं हुई शादी के योग्य, और तू कहता है मेरी शादी करा दे। अब लाला कहता है, माँ तू मेरी शादी करा दे और तू मुझे घोड़ी पर भी नहीं बिठालना, तेरा एक खर्चा बच जाएगा, तू लेकिन मुझे दूल्हा बना करके भेज दो सही, और जब मैं जाऊंगा तो बहू लेकर के आऊंगा। अब क्या होता है, कृष्ण से आज माँ कहती है, तेरी बहू कौन है? तो वो कहते हैं कि बरसाने वारी। अब जब यही कहते हैं तो आइए हम भी सुनते हैं, ये बरसाने वाली कौन है। और कृष्ण कहते हैं, मेरा विवाह करवाओ। अब आप सभी भक्तों से पूछना चाहूंगी, कृष्ण का विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आज कृष्ण कहते हैं, राधिका गोरी से विरज की छोरी से। अब हमने ये गाया है, अब क्या करेंगे, एक बार भाई हमें ये वाली लाइन बताएंगे, गा करके बताओ तेज आवाज में, नहीं तो अभी देखो चुनाव होने वाला है, मैयाएं जीतती हैं या आप जीतते हो, तो तेज आवाज में बताओ। जय श्री राधे। श्री केशव सिंह, मुन्ना लाल और पप्पू, ये भैया स्वागत के लिए मंच पे आ जाए, जहीं खड़े रहो तुम तो आज स्वागत चलन दे।